बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ट्रेलर जारी। एसएस राजामौली के शो की रिलीज डेट का भी हुआ खुलासा। फिल्म निर्माता और निर्देशक एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित एनिमेटेड वेब सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का धमाकेदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार था, साथ ही इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है। ये रोमांचक घोषणा खुद निर्देशक एसएस राजामौली ने की है। उन्होंने इससे पहले सीरीज का टीजर जारी कर फैंस का उत्साह बढ़ाया था। और अब उन्होंने इस उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है। बाहुबली फिल्म के कलाकारों और निर्माता ने इस एनिमेटेड सीरीज को लेकर अपना उत्साह भी जाहिर किया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हॉटस्टार स्पेशल की फिल्म फ्रेंचाइजी बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड के प्रीक्वल की घोषणा की है। ये एक ऐसी कहानी है जहां बाहुबली और भल्लाल देव महिष्मति के महान साम्राज्य और उसके सबसे बड़े खतरे रहस्यमय सरदार के खिलाफ सिंहासन की रक्षा के लिए रक्तदेव के रूप में हाथ मिलाएंगे। ग्राफिक इंडिया और अर्का मीडिया वर्क्स प्रोडक्शन द्वारा निर्मित बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड दूरदर्शी एसएस राजामौली, शरद देवराजन और शोभू यारला गड्डा द्वारा निर्मित है। जीवन जे कांग और नवीन जॉन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। महाकाव्य गाथा दर्शकों को एक एनिमेटेड दुनिया में ले जाने का वादा करती है। बाहुबली में महाकाव्य साहसिक, भाईचारे, विश्वासघात, संघर्ष और वीरता की एक अनकही कहानी का अनुभव होगा। पावर पैक एक्शन सीरीज 17 मई 2024 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। बाहुबली फ्रेंचाइजी में बाहुबली की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रभास ने कहा कि एक रोमांचक समय है कि बाहुबली और भल्लाल देव बाहुबली की इस यात्रा के इस अनदेखे अध्याय में एक साथ आने जा रहे हैं। बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड एक अध्याय है जो फिल्म फ्रेंचाइजी में कहानी से पहले घटित होता है। ये अद्भुत है कि एसएस राजामौली, शरद देवराजन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अर्का मीडिया वर्क्स और ग्राफिक इंडिया इस कहानी को इस एनिमेटेड प्रारूप के माध्यम से दुनिया के सामने ला रहे हैं। मैं बाहुबली की यात्रा के इस नए अध्याय को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।